मसीह के अजीम और जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम अपने डिवोशन का आगाज करने से पहले मुख्तसर दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह-उस, खुदावंद तेरी हजूरी में तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद आज के डिवोशन थॉट के लिए, ऐ खुदावंद आज, ऐ खुदावंद जो हम सीखें खुदावंद तू हमारी सुनतियों में खुदावंद उसके वसीला से काम करना, मसीही टीवी के लिए तेरी खास बरकत, तेरी खास ब्लेसिंग आए ताकि तेरा नाम जलाल पाए, यीशु के नाम से आमीन। आए हम कलाम खुदावंद में से पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका सातवां बाप और उसकी सातवीं आयत से। आज का जो मुझे अनुमान मिला है वो ये है कि खुदावंद से मांगना। कलाम खुदावंद में यूं लिखा है, खुदा का बंदा मुकद्दस मत्ती लिखता है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और से जन पाक खुदावंद की खास बरकत हो। लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमने किससे मांगना है? खुदावंद खुदा से। कोई ये बात नहीं लिखी कि हमने खुदावंद से इज्जत या गाड़ी या रुपए पैसा नहीं मांगना, बल्कि हम सब कुछ खुदावंद से मांग सकते हैं। फिर लिखा है ढूंढोगे तो पाओगे। जब हम खुदा को ढूंढ लेंगे तो हमें तमाम चीजें जो है वो मिल जाएगी। हमने उसकी हजूरी से मांगना है, उस पर तवक्कुल रखना है, उस पर ईमान रखना है, तो वो हमें किसी भी चीज से मोहताज नहीं रहने देगा, वो हमें किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा। हम जब उसकी हजूरी में मांगेंगे तो इसका मतलब है कि हम उसकी हजूरी में वक्त गुजारेंगे। क्यों? खुदावंद ने कहा कि मांगो जो तुम्हें दिया जाएगा, ताकि हमारा खुदा के साथ एक रिलेशन जो है वो कायम हो सके, एक रिश्ता कायम हो सके, डेली की जो है रफाकत हमारे और हमारे बाप के दरमियान हो सके। हमने खुदावंद की हजूरी में इसीलिए मांगना है और अपने दिल को खोलना है और उसे दिल से ढूंढना है, ताकि हमारे लिए आसमान का दरवाजा खुले और हम उसके नाम को जलाल दें और हमें किसी भी चीज की जो है मोहताजी ना रहे। अगर हम खुदा से मांगेंगे तो खुदा हमें किसी से भी मांगने नहीं देगा। इसीलिए आज मेरा आप सबसे यही मैसेज है कि उससे मांगें, उससे रिश्ता कायम करें, ताकि आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियां, मुसीबतें जाएं और आप उसकी हजूरी में खुदावंद यीशु को ढूंढे और मसीह का नाम आपकी जिंदगियों में जलाल पाए। हर रोज की तरह मेरा आपसे यही मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा मसीही टीवी को देखें, ताकि आपके घरानों में, आपकी जिंदगियों में खुदावंद की बरकत आए और आप खुदा का काम करें और खुदा आपकी जिंदगी में काम करे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन।